नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन इन हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली। हिमाचल विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं? आपको चार ऑप्शन दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो टोटल स्ट्रेंथ है 5 महिलाओं की। अच्छा, पहले जो था वो 4 महिलाएं थी, अभी इलेक्शन हुए हैं धर्मशाला और सिरमौर के पश्चात में, तो एक महिला और जीती हैं, तो अब टोटल स्ट्रेंथ जो है वो हो गई है 5। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए बनता है। अच्छा, यहाँ से आप एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए कि कौन कौन सी महिला विधायक जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में है, क्योंकि कई बार नाम देकर भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से, नाम नीचे दिए होंगे, इनमें से जो है कौन सी महिला विधायक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में है या नहीं है। तो देखिए, जो अभी महिला विधायक हैं वो सबसे पहले तो आती हैं शहरी एवं विकास मंत्री जो हमारी हैं हिमाचल प्रदेश की, जिनका नाम है सरवीण चौधरी, और उसके बाद हैं कमलेश कुमारी, रीता देवी, और रीता देवी के बाद रीना कश्यप। रीना कश्यप के बाद जो है वो कांग्रेस की केवल मात्र एक महिला है, जिनका नाम है आशा कुमारी। ये डलहौजी से जीती हुई हैं, इनके आप नाम याद रखिए, ये 5 नाम आप याद रखिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, हिमाचल प्रदेश की शहरी एवं विकास मंत्री श्रीमती सरवीण चौधरी, उसके बाद श्रीमती कमलेश कुमारी, उसके बाद श्रीमती रीता देवी, श्रीमती रीना कश्यप और श्रीमती आशा कुमारी। ये 5 महिलाएं जो हैं ये हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 68। तो ये बेसिक सा आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बारे में, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोटखाई रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ पंजाब स्टेट टिल। कोटखाई किस वर्ष तक पंजाब राज्य के अधीन रहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कोटखाई की बात हुई है तो कोटखाई जो था वो 1946 तक जो था वो पंजाब राज्य के अधीन था। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर, 1946। अच्छा, बात हुई है कोटखाई की, तो कोटखाई के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट बेसिक से क्वेश्चन है वो सभी आपको पता होने चाहिए। अच्छा, कोटखाई की स्थापना जो थी वो कुमारसेन के अंतिम राजा अहिमाल सिंह के द्वारा की गई थी। कोटखाई जो थी वो कुल्लू बुशहर कुमारसेन की जागीर रह चुकी है, और जिस समय जो था 1815 का विद्रोह हुआ था उस समय जो था वो कोटखाई जो थी वो राणा रणजीत सिंह को दे दी गई थी, और कोटखाई जो थी वो 1828 से 1947 तक जो था वो अंग्रेज सरकार के अधीन रही थी। देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, देखिए 1828 से लेकर 1947 तक ये ब्रिटिश सरकार के अधीन थी और पंजाब राज्य के अधीन थी, तो ये 2 अलग अलग टर्म है। राज जो करते थे वो ब्रिटिश सरकार करती थी और जिस स्टेट के अंडर ये आती थी वो था पंजाब, और इसका हिमाचल प्रदेश में कब विलय हुआ था तो 15 अप्रैल 1948 को इसे हिमाचल प्रदेश का भाग बना दिया गया था। तो बेसिक्स आप याद रखिए कोटखाई ठकुराइन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिफोर मर्ज विद हिमाचल प्रदेश डलहौजी वॉज पार्ट ऑफ विच स्टेट। हिमाचल प्रदेश में विलय होने से पहले डलहौजी जो था वो किसका भाग था? देखिए, डलहौजी की बात हुई तो डलहौजी जो था उससे पहले गुरदासपुर का भाग था। गुरदासपुर आप नाम याद रखिए, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, गुरदासपुर यहाँ पर होगा। अच्छा, अब ये गुरदासपुर का भाग था तो सबसे पहले डलहौजी के बारे में आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। अच्छा, ये डलहौजी जो है ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। अच्छा, कई बार डलहौजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो था वो कुछ महीने कहाँ पर बिताए थे। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो था कुछ महीने डलहौजी में ही बिताए थे। देखिए, 2 क्वेश्चन आप याद रखिए डलहौजी से रिलेटेड, कि डलहौजी जो था वो हिमाचल में विलय होने से पहले किसका भाग था, तो ये गुरदासपुर का भाग था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ दिन जो थे, कुछ महीने जो थे वो बिताए थे डलहौजी में। ये 2 बेसिक से क्वेश्चन डलहौजी से रिलेटेड भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जंगा वॉज द कैपिटल ऑफ जंगा जो थे वो किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्योंथल जो है वो सही आंसर है, जुन्गा जो थी वो क्योंथल की राजधानी थी। अच्छा, बात हुई है जुन्गा रियासत की, सबसे पहले आपको जुन्गा रियासत के बारे में बेसिक से क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्योंथल की राजधानी थी जुन्गा, तो
क्योंथल के बारे में पता होना चाहिए कि देखिए क्योंथल की स्थापना जो थी वो राजा गिरिसेन के द्वारा 1211 ईस्वी में की गई थी, और 1379 में जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो क्योंथल को अपने अधीन कर लिया था, और जिस समय गोरखाओं का आक्रमण हुआ था उस समय 1809 ईस्वी में राणा रघुनाथ सेन जो थे वो क्योंथल के राणा थे, और इन्होंने जो था वो सुकेत में जाकर शरण जो थी वो ली थी। इसके बाद क्योंथल के राणा संसार सेन ने जो था वो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी, और इसके लिए इन्होंने इनको राजा की उपाधि भी दी गई थी और इन्हें खिल्लत भी प्रदान की गई थी। क्योंथल के राजा कुसुमटी को 1884 ईस्वी में जो था वो ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दे दिया था, ये याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1884 में जो था वो कुसुमटी को जो था वो क्योंथल के राजा ने ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दे दिया था, और क्योंथल रियासत के अंतिम जो राजा थे वो थे राजा हितेंद्र सेन। इतना बेसिक्स आप याद रखिए क्योंथल ठकुराइन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रेमिका मेगा फूड पार्क इज सिचुएटेड, क्रेमिका मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फूड पार्क जो है ये स्थित है सिंघा में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, सिंघा में स्थित है क्रेमिका मेगा फूड पार्क। अच्छा, अब इस क्रेमिका मेगा फूड पार्क के बारे में आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये सिंघा कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। सिंघा जो है ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है। अब डिस्ट्रिक्ट ऊना की बात होगी तो डिस्ट्रिक्ट ऊना का गठन जो था 1972 में हुआ था, याद रखिए डिस्ट्रिक्ट ऊना का गठन 1972 में हुआ था, और डिस्ट्रिक्ट ऊना का जो एरिया है वो है 1540 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.77% कवर करता है। इसके अलावा आप याद रखिए कि बाबा भड़भाग सिंह का मेला जो है वो भी ऊना जिले में ही लगता है। 1966 से पहले जो था वो ऊना जो था वो पंजाब के होशियारपुर जिले की तहसील जो थी वो थी, और 1966 से लेकर 1972 तक ये जो था ये ऊना जो था वो कांगड़ा जिले का भाग रहा, और 1972 में जो था ऊना को एक जिले का दर्जा दिया गया और ऊना की स्थापना की गई। ऊना में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर भी बहती है जिस रिवर का नाम है सवां रिवर। सवां रिवर को जो है रिवर ऑफ सौरव भी कहा जाता है। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऊना का पुराना नाम क्या था, तो देखिए ऊना का जो पुराना नाम था वो था जसवां दून। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिए, जसवां दून जो था वो ऊना का पुराना नाम था। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ट्राइब इज लिविंग अलोंग चंद्राभागा इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? लाहौल स्पीति के चंद्राभागा घाटी में कौन सी जनजाति रहती है? देखिए लाहौल स्पीति की चंद्राभागा घाटी में जो है वो स्वांगला जनजाति रहती है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, स्वांगला। अच्छा, चंद्रा भागा घाटी की बात हुई तो सबसे पहले चंद्रा और भागा नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। चंद्रा और भागा नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो चंद्रा और भागा नदी का संगम जो है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के तांडी के समीप होता है। बात लाहौल स्पीति की है तो लाहौल स्पीति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। लाहौल स्पीति का गठन जिले के रूप में होता 1 नवंबर 1966 को। लाहौल स्पीति का एरिया है 13,835 स्क्वेयर किलोमीटर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है लाहौल स्पीति का एरिया कितना है। 1960 में जो था वो लाहौल स्पीति को एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया गया था, परंतु उस समय इसे पंजाब का डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। द चांग फेस्टिवल लाहौल स्पीति में पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो है भोटी, मनछत, चांगशा और घारी, ये भाषाएं बोली जाती हैं। घंटाल फेस्टिवल स्पीति वैली में मनाया जाता है। रतांग वैली, ग्यास वैली लाहौल स्पीति में है। पिन वैली नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी वो लाहौल स्पीति में स्थित है। कुंगरी गोम्पा लाहौल स्पीति में स्थित है। रंगलोई जो है वो दूसरा नाम है चंद्रा वैली का। लारी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म लाहौल स्पीति में है। नोनो वजीर जो थे वो फेमस वजीर थे लाहौल स्पीति के। ग्रिप्पी ग्रुप डांस परफॉर्म किया जाता है पुरुषों के द्वारा। मोराबियन मिशन लाहौल स्पीति पहुंचा था 1853 में। स्पीति को जो था वो कुल्लू के राजा मानसिंह ने इन्वेट किया था 1700 ईस्वी के आसपास, और स्पीति जो था वो कुल्लू के अधीन रहा था 1846 तक। थिरोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रोंगटोंग प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। वैली ऑफ ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति को कहा जाता है, तो वैली ऑफ ग्लेशियर लाहौल स्पीति को कहा था एंड्रयू विल्सन के द्वारा। अच्छा, अब ये मैप में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर पड़ता है लाहौल स्पीति, ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वॉज द फर्स्ट एंड ओनली चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल? हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एकमात्र प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? देखिए टेरिटोरियल काउंसिल को हिंदी में कहते हैं प्रांतीय परिषद। तो प्रांतीय परिषद के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे ठाकुर करम सिंह। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, ये तो हो गया प्रांतीय परिषद टेरिटोरियल काउंसिल के बारे में। इसके अलावा आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे कहते हैं हम, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे और इसका गठन कब हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के
गठन जो था वो 1971 में हुआ था, और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे के एस कटोच। और हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्ता कौन थे, तो हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त जो थे वो थे टी वी आर दत्ताचारी। ये 1983 में हिमाचल प्रदेश में जो था वो लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया था। अच्छा, इसके अलावा आप याद रखिए प्रीवियस जो वीडियो हमने डिस्कस की थी उसमें हमने क्विक रिवीजन किया था। जितने भी प्रीवियस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक डिस्कस हो चुके हैं वो क्विक रिवीजन के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि आपके क्विक रिवीजन में वो वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हम इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की कटिंग और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच विधानसभा इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश डिड दी BSP विन अ सीट। हिमाचल प्रदेश के किस चुनाव में BSP ने एक सीट जीती थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2007। 2007 में BSP के द्वारा जो था वो एक सीट जीती गई थी। अच्छा, अब बात हुई है BSP की, तो सबसे पहले आपको BSP का पूरा नाम पता होना चाहिए। तो BSP का पूरा नाम है बहुजन समाज पार्टी। तो BSP की स्थापना जो थी वो 1984 में हुई थी, ये भी आप याद रखिए कि 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका सिंबल जो है, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो होता है एलिफेंट। तो इतना बेसिक्स आप BSP बहुजन समाज पार्टी के बारे में याद रखिए। और हिमाचल प्रदेश में एकमात्र सीट जब जीती थी तो जीती थी 2007 में, ये भी आप याद रखिए। और एक क्वेश्चन हमने पीछे भी डिस्कस किया था, वो था कि अभी जो है प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 5 महिला सदस्य हैं। ये बेसिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश विधानसभा से रिलेटेड, इन क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अराउंड विच डे डज रेणुका फेयर इन सिरमौर स्टार्टेड। रेणुका मेला कब शुरू होता है। देखिए आपको चार ऑप्शन दी गई हैं। गाइज, इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। सो प्लीज इफ यू लाइक देन प्लीज शेयर द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 10 डेज आफ्टर दिवाली। 10 डेज आफ्टर दिवाली जो है वो रेणुका फेयर मनाया जाता है। रेणुका फेयर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में मनाया जाता है और दिवाली के 10 दिन बाद ये मनाया जाता है। सो बात हुई है फेयर्स और फेस्टिवल की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, शिवरात्रि मेला जो है फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। सैर यात्रा मेला जो है वो फर्स्ट ऑफ असोस को मनाया जाता है। मणिमहेश यात्रा सेप्टेम्बर के महीने में शुरू होती है, मणिमहेश यात्रा समाप्त हो जाती है राधा अष्टमी के दिन। फुल्लैच फेस्टिवल बाधों और असोस के महीने में सेप्टेम्बर में मनाया जाता है। लद्राचा मेला जो था वो किब्बर में जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। चेरवेल फेस्टिवल जो है बाधों के महीने में मनाया जाता है। चित्रारी यात्रा अक्टूबर के महीने में शुरू होती है। मणिमहेश मेला सेकंड संडे ऑफ श्रावण मंथ को शुरू होता है और थर्ड संडे ऑफ श्रावण मंथ को ये समाप्त हो जाता है। ये मिंजर मेला जो है, मिंजर मेले के बारे में आप याद रखिए। सूही मेला जो है वो 15 ऑफ चैत को लगता है और फर्स्ट ऑफ बैसाख को समाप्त हो जाता है। रेणुका मेला 10 डेज आफ्टर दिवाली लगता है। बरलाज फेस्टिवल सोलन में जो है वो और बिलासपुर में मनाया जाता है दिवाली के 2 दिन बाद। पत्थर का खेल मेला हल्लोग में दिवाली के 2 दिन बाद कार्तिक मंथ को मनाया जाता है। बिशू बेशुआ बैसाखी फेस्टिवल जो है वो ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है। नवाली फेयर जो है वो मंडी में मनाया जाता है। काहिका मेला जो है कुल्लू में लगता है। सोवी यात्रा नैना देवी में लगती है। और घंटाल फेस्टिवल जो है वो लाहौल स्पीति में जून के महीने में लगता है। तो बेसिक सा फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, दीपक ताल इज लोकेटेड इन। दीपक ताल कहाँ स्थित है। देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दीपक ताल लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, लाहौल स्पीति में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, उन लेक्स के नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक तो है चंद्रताल लेक, दूसरी है सूरजताल लेक, और उसके बाद दीपकताल लेक जो आती है नीलकंठ लेक, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। तो इन लेक्स के बारे में आप याद रखिए, दीपकताल, सूरजताल, दीपताल, नीलकंठ, ये लेक्स जो हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, ये लाहौल स्पीति में स्थित हैं। और युनामसो लेक कहाँ पर है, युनामसो लेक भी लाहौल स्पीति में ही स्थित हैं। तो ये 5 झीलें हैं, चंद्रताल, सूरजताल, दीपकताल और युनामसो और नीलकंठ लेक। इन लेक्स के नाम आप याद रखिए। और बात होती है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निष्ठा कार्यक्रम जो हाल ही खबरों में था किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन हमने गिरिराज एडिशन में डिस्कस किया था। इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।